कीपिंग क्वाइट, समझ रहे हो? इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कीपिंग क्वाइट हैं, और वो सीधे रिजल्ट निकाल के देंगे और तुम हकाहकी मचाते रह जाओगे। ठीक है, यस सर, वही कीपिंग लग रहा क्वाइट, है। यस या छुपे सर, रुस्तम भी छुपे बहुत है, रुस्तम। जो बिल्कुल यस सर, बोलते नहीं छुपे है, रुस्तम। सीधे धमाका, पता चल रहा टॉपर नंबर वन, फला फला फला। तुम कहोगे अबे ये यस तो सर, कोई डार्क बोलता भी हॉर्स। नहीं। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, तो पेब्लो नेरुदा, पेब्लो नेरुदा, और ये जो पोएट्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी थोड़ी ब्रीफिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि ये इंटर का मसला है, कहीं पोएट पे ना पूछ दे कुछ, हल्का फुल्का ब्रीफिंग, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा पेब्लो दादी के बारे में जान ले, बोलो। यस चलो पेब्लो नेरुदा को ही थोड़ा सा खोज लेते हैं। ये चिली का पोएट था, बहुत जबरदस्त, बच्चे ना सोचे मिर्च वाला पोएट था। अगर बच्चे बैठे हैं उन्हें बता दो चिली एक जगह है। अरे बच्चे सर, बहुत तो तेज हैं आजकल, चाइल्ड किसको कहते हैं? सर, चाइल्ड किसको कहते हैं? चिली इसको कहते तो चिली एसी को कहते हैं। अब चाइल्ड पता नहीं किसने बोला होगा, चाइल्ड किसने, सर, पता नहीं कोई प्रोनाउंस चाइल्ड भी करता है क्या? हो सकता है आजकल हटेलों की कमी थोड़ी है दुनिया में। ठीक है, तो हमने तो चिली सुना आज तक, और चिली बोल। ठीक है, अब किसी ने चाइल्ड कहा हो तो बढ़िया है, वाक्य और हम ये यहाँ से उद्घोषणा करते हैं कि हम मरते दम तक चिली कहेंगे, चाहे कोई ये भी कहे कि ये सही नहीं है। ठीक है, चलो पेब्लो नेरुदा में आते हैं। तो ये पोएट भी था, डिप्लोमेट भी था, और ये करीब 1904 से 1973 तक रहा है। ये पोएट एंड डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन भी था ये, मैंने आपको बताया था, उस फिल्म में दिखाया गया है। 1971 में नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर में। और ये पोएट के रूप में फेमस 13 ईयर्स में ही हो गया था। सरियलिस्ट पोयम भी लिखी है इसने बहुत, और फेमस फॉर हिज कलेक्शन ऑफ लव पोयम। ट्वेंटी लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। ये एक कम्युनिस्ट था बाय नेचर, पॉलिटिकली इसके थॉट कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्ट के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था 1950 में, और लेनिन प्रीस पीस प्राइज मिला था 1953 में। और इसको कैंसर से मरा था। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर। इसको ऑफन ये कंसीडर किया जाता है कि नेशनल पोएट ऑफ चिली है, ऑफन कंसीडर्ड। नेशनल पोएट ऑफ चिली,
हाँ, और कोई भी कह रहा था बट सर। सना, मेरी लिटरेचर और ग्रामर सारी क्लासेस छुट्टी है स्टार्टिंग पीरियड हाँ तो तुम्हें भर देंगे भाई नए, उसमें नए बैच में, क्यों चिंता कर रहे हो, यहाँ जो आता है वो रो के नहीं जाता, चिंता मत करो। की। जी सर, थैंक यू सर। इतना परेशान मत हुआ करो, एक बार आ गए हो तो फिर अब ऐसे नहीं जाने देंगे, हम वो थोड़ी है कि अतिथि जाओगे, हम कहते हैं अतिथि यहीं रहो, ठीक है, जब तक एग्जाम ना आता यहीं बने रहो। अब नेक्स्ट है, इसके टेक्स्ट को खोलें जरा सब लोग, और फिर इसको टेक्स्ट वाइट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द थीम ऑल अबाउट। देखो, कीपिंग क्वाइट ऐसी पोयम है जिसमें आपके लिए एक ऐसी चीज की धार, ऐसी चीज की एक तरीके से इच्छा जाहिर की है पोएट ने, जो आप लोग जनरली नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि या तो आप दुनिया में इतने खो चुके हो, बिजी हो जिम्मेदारियों में, या इतना आपको टाइम ही नहीं मिलता कि वो चीज कर सके। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पिछले 10-12 साल से आपने कौन सी एक ऐसी चीज नहीं की जो हर एक इंसान को करनी चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो कहीं तुम ये मत कह देना सर मैंने 10-12 साल से नॉनवेज छोड़ दिया है। पढ़ाई नहीं। पढ़ाई नहीं की, बहुत बढ़िया, लेकिन हर एक इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए तो आंसर नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं हर एक इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए पिछले 10-12 साल से। कुछ ऐसी चीज जो लगभग हर एक इंसान को करनी चाहिए, वो करता सर नहीं है रिलैक्स लेकिन। होकर बैठे नहीं है। ओके, तुमने तो इतना बड़ा बोला, मेरे को लगा पीएचडी हो गई अब, ठीक है। और बताओ। सर एक हाँ, इंफॉर्म पीछे कोई दबी सी आवाज आ रही है, नेपथ्य से बोलो। सर पूछना था कि यूओयू में पीएचडी की फॉर्म दोबारा कब आएंगे? अप्रैल में आएंगे शायद, अप्रैल या मई में, मैं स्टेटस लगा दूंगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो देखो, तुमने ये नहीं किया है क्या, और तुम करते भी नहीं हो, रिट्रोस्पेक्शन। जानते हो क्या होता है रिट्रोस्पेक्शन? सर रिकॉलिंग रिट्रो करना है नहीं, सर, नहीं, रिट्रोस्पेक्शन एनालिसिस होता है अपने बारे में सर, आत्मा आप अवलोचन, आत्मा अवलोचन, ही ठीक है, आत्मा लेंगे अवलोकन भी कह सकते हो, खुद के बारे में। हाँ, आत्मचिंतन, आत्मा अवलोकन और पता नहीं आत्मचिंतन क्या, ठीक है। तो ये तुम बहुत कम कर रहे हो, पिछले 10-12 साल से तुम्हें मौका ही नहीं मिला इसका। वो सुबह से शाम तक जो तुम्हारा रोबोटिक जो लाइफ है, वो कभी मौका ही नहीं देती। तुम में से कभी किसी ने रिलैक्स होके 1-2 घंटा आत्मचिंतन किया है कभी? नहीं नो किया। अब तुम में क्या सर, लगता है, एक इंसान को आत्मचिंतन की जरूरत है कि नहीं, हर इंसान को? सर तो यही मेरा क्वेश्चन था। तो ये पूरी पोयम जिस पे फोकस करेगी वो यही होगा कि नेसेसिटी ऑफ रिट्रोस्पेक्शन, या इंट्रोस्पेक्शन भी कह देते हैं, ठीक है, कि इसकी कितनी जरूरत है, ठीक है, इस बात पे फोकस करेगी ये पोयम। तो अब तुम समझ गए हो कि इसमें सारा जोर इस बात पे दिया जाएगा कि पूरा फोकस किया जाए अपने उसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पोयम क्या कहती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक और चीज इसमें बता दूं, थोड़ा एक रिट्रोस्पेक्शन की बात तो बोली, दो चार और चीजें बता दूं। अब आदमी ये कहता है कि आदमी के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसकी जो हर चीज के लिए जल्दीबाजी होती है, उसने उसको इतना डिस्टरबेंस और ट्रबल्स में डाल रखा है दुनिया में, कि उसको इस नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का या रिट्रोस्पेक्शन का मौका ही नहीं मिलता, वो सोचता ही नहीं इस बारे में। और अब वो कहते हैं कि ये वो वक्त है जब उसने एकदम से हर चीज पे पॉज लेना चाहिए और सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर तुम में से कोई मेरे से पुराने टाइम से जुड़ा है, ठीक है, शायद पुष्पा मैम सबसे पुरानी होंगी, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तब से, तो वो जानता होगा मेरी आदत कि मैं हर साल
कहीं ना कहीं निकल लेता हूँ अचानक, बढ़िया सब निपटा नुपटू के। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ, ये रोबोटिक लाइफ हो जाती है और मुझे इस लाइफ से निकलना होता है। जब तक आप पॉज नहीं लोगे तब तक आप सोचोगे ही नहीं कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ठीक है? तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साल में कहीं ना कहीं नेचर के करीब चला ही जाता हूँ अकेले, क्वाइट, और वहां अकेले निकल पड़ता हूँ घूमने। और जो है अब मेरे जैसे शौक होते नहीं किसी के, तो मेरी फैमिली वालों के भी शौक नहीं है, वो तो अपना बैठ के एंजॉय करते रहते हैं, घूम वहीं खाते पीते हैं। मैं तो निकल लेता हूँ नेचर वॉक में अकेले, तो बिकॉज आई वॉन्ट टू रिट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है? तो वैसे ही आप जब वापस लौटते हो तो यू आर रिवाइव्ड विद द एनर्जी एंड यू आर रिवाइव्ड विद सम ऑफ द फोकस्ड टास्क। तो आप भी करना इसको, कभी देखना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? तो कह रहा आप पॉज लो, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। और पॉज लेने का मतलब वो ये कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम इनएक्टिव हो जाओ, कुछ करना ही छोड़ दो। नहीं, हाँ भाई क्यों सो रहे हो? अरे सर ने कहा था पॉज लो, मैं एक हफ्ते का पॉज ले रहा हूँ जरा, ठीक है? तो मैं सो रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है पॉज लेने, ठीक है? पॉज लेने का मतलब बिल्कुल कि जो तुम्हारी ये हेक्टिक लाइफ हो गई है, ठीक है, इससे थोड़ा पॉज लो, इनएक्टिव नहीं रहो बल्कि इससे थोड़ा पॉज लो, और ये थोड़ा साइलेंट अपने इनारे किनारे क्रिएट करो। और साइलेंस से क्या होता है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और इवन ह्यूमन बीइंग्स की भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इसलिए इसी बात पर फोकस करता है पेब्लो नेरुदा। तो एक दो पॉइंट यहां पर बता देता हूं। थीम क्या है इसका? थीम है पोएट डिमांड्स नेसेसिटी ऑफ क्वाइट शांत, जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा, ही वॉन्ट्स अ पॉज फ्रॉम द मैकेनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या द मैकेनिकल लाइफ लाइफ स्टाइल। और दूसरा, ही वॉन्ट्स टू क्लियर दैट स्टिलनेस डजंट मीन इनएक्टिव, बीइंग इनएक्टिव। तो ये तो था इसका इंट्रो। अब हम चलते हैं इसके पैराग्राफ वाइज। इसकी बड़े तरीके से इसने इसकी बात की है और बहुत तरीके से पोयम को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग लेते हैं पहले पैरा के, और पहले पैरा में मैं इतना लूंगा, पहले मैं पढ़ देता हूं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। इतना हम पहले लेंगे। तो इसमें हमारे जो है कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सिंबॉलिकल बहुत है, ठीक है? तो मैं वो सिंबॉलिकल मीनिंग भी बता दे रहा हूं। 12, 12 जो काउंटिंग की है इसका बड़ा सिंबॉलिकल मतलब है। इसका मतलब है 12 जो साइन ऑफ आवर्स है ऑन द क्लॉक, घड़ी पे जो 12 घंटे होते हैं, पूरे 12 घंटे, एक पहर, उसकी पूरी बात है ये, ठीक है? सो डिनोट्स 12 साइंस ऑफ आवर्स ऑन द क्लॉक। स्टिल का मतलब है क्वाइट एंड मोशनलेस, क्वाइट
एंड मोशनलेस, और जो अर्थ के फेस की बात कर रहे हैं, फेस, फेस का मतलब है सरफेस, ठीक है। अब अगर सीधी सीधी बात करें कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो सीधी बात देखो इतनी सी हो गई खत्म। अब हम 12 तक गिनती करेंगे और सभी चुपचाप हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम इस धरती के सरफेस पर हम इतनी देर 12 तक कोई एक बात ना करें, कोई भाषा में बात ना करें। आओ हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने हाथों को, अरे इतना ना हिलाएं, बस हो गया लो। क्या समझ में आया तुम्हारे? ठीक है, सीधे सीधे लिटरल मीनिंग तो ये हो गया, ठीक है। सर, हर मंथ को भी करेगा ना सर, 12 महीने। मंथ्स को, मंथ्स को भी, जितनी चीजें 12 को डिनोट करती हैं सबको करेगा। लेकिन पोएट जब ये कह रहा है तो वो, क्योंकि वो 12 मंथ इसलिए नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि 12 मंथ का मतलब हो गया फिर तो तुम जिंदगी भर आलसी बने रहो। 12 मंथ तक स्टिल हो जाओगे क्या? बोलो, ये लॉजिकल है? मतलब आप 12 महीने तक स्टिल हो जाओ, पोएट एक चाहेगा कहना? बताओ। नहीं। इसलिए 12 मंथ नहीं लिया जाता, ठीक है। 12 के कई एक सिंबॉलिकल मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मंथ इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वो यही कह देगा लेट्स 12 मंथ तक स्टिल हो जाए, तो फिर सब कहेंगे ओके मिलते हैं अगले साल, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, और फिर सब हो जाएंगे स्टैच्यू। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो एक तरीके से इस 12 घंटे की जो घड़ी है, इसको एक तरीके से और भी कहना चाहता है। अगर पोएट्री है तो उसको गहराई से समझो। और भी क्या कहना चाहता है? और भी ये कहना चाहता है कि तुम्हारे इतने लंबे लाइफ स्पैन में कुछ पलों के लिए रुको, यानी कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए रुको और अपने बारे में सोचो। ये भी कह रहा है वो एक तरीके से। इसीलिए उसने पूरा साल न लेके सिर्फ 12 घंटे चुने हैं, यानी आपकी लाइफ में थोड़ा टाइम। ये भी एक है उसका सिंबॉलिकल मतलब, समझ रहे हो? आया समझ में? तो कहता है अब हम 12 तक गिनती करेंगे और सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चल, बिना मोशन के और कुछ। तो ये सिर्फ ये कहता है कि कभी आप 12 बजे, 12 घंटे के लिए ही सही, थोड़ा अपनी इस लाइफ की भाग दौड़, केओस और जो डिस्टरबेंस है, इससे एक ब्रेक लो, एक ब्रेक लो, ठीक है। एंड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, देखो फॉर वंस का मतलब कभी, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार तो कम से कम इस जमीन पे जितने लोग हैं, ठीक है, वो ये सोचें कि एक बार तो कभी ऐसा करें हम यहाँ इस धरती पे रहते, इस पृथ्वी पे, कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम कोई बातचीत ही ना करें, कोई भाषा पे बोले ही नहीं, कोई मुद्दा ही ना हो, ना माइंड में कोई इनपुट हो और ना माइंड से कोई आउटपुट हो किसी के लिए। तो ना आपके दिमाग में कोई थॉट इनकमिंग होगी किसी की ओर से, ना आउटगोइंग, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। कभी एक बार पृथ्वी में मौन धारण करके देखो। अब अगर तुम इस बात को समझो तो बहुत गहरे मायने है, क्योंकि मौन धारण करना अपने आप में एक बहुत डीप फिलोसफी की ओर ले जाता है। अगर आपने सुना होगा कि हमारे हिंदू जो है, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, उनमें बताया है कि मौन व्रत की अवधारणा है। तुमने सुना है मौन व्रत? ठीक है, सर, तो आप वहां भी इसको जोड़ सकते हो। तो मौन व्रत की अवधारणा क्यों होगी आखिर? क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जिसमें आप रियल में अपने से बातें करते हो, रियल में अपने बारे में सोचते हो और अपने जो है दिशाओं के बारे में सोचते हो कि वेयर वी आर हेडिंग, ठीक है। द सेम वे अगर मैं गौतम बुद्ध के धर्म में चले जाऊं, तो जो मैंने कहा है कि जो हमने जिस टेक्निक को मेडिटेशन की मास्टर किया है, वो विपश्यना है, और विपश्यना में हमने 10 10 दिन के मौन रखे हैं, जिसमें एक शब्द नहीं निकाला, फोन भी नहीं किया किसी को, ना कुछ फोन जमा था। तो 10 10 दिन के 3 कैंप करे और उसके बाद फिर एडवांस। तो क्या ये अपने आप में हमारे लिए रिट्रोस्पेक्शन का मौका था? ऑफकोर्स था, क्योंकि रिट्रोस्पेक्शन इतना खतरनाक था कि हमारे माइंड में कोई इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं, और जितना पहले से था
उसको एक डायरेक्शन देना, और लास्ट में जब हम आते हैं सारा खाली करके दिमाग से मेडिटेशन के थ्रू, तो हमारा माइंड इतना खाली होता है, इतना रिसेप्टिव होता है, इतना डायनामिक होता है, जो चीज हम फोकस करते हैं वो फोकस होती है, और चुटकियों में सारा अंदर भर जाता है, जो पढ़ो आप, जो काम करो। तो ये सब चीजें मौन पे धारण जो है रुकती है। तो कहता है चलो कभी जिंदगी में एक बार इस पृथ्वी पे वक्त गुजारते हुए कोई भी भाषा में बात ना करें, कोई भी बातचीत ना करें, ना दिमाग को कोई इनपुट दें और ना दिमाग से कोई इनपुट लें और ना आउटपुट लें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। एक सेकेंड के लिए सही, कभी रुक के देखो अपने जिंदगी में, इतनी बड़ी जिंदगी में 1 सेकंड का मतलब यह है, 1 सेकंड नहीं, कुछ देर के लिए सही रुक के देखो, और कभी अपनी बाहें हाथ पांव इतना हिलाए बिना, केवल आर्म्स का मतलब केवल हाथ ही नहीं है, कभी अपनी बॉडी को मूवमेंट किए बिना थोड़ी देर निश्चल शांत भाव से बैठना सीखो। ठीक है, तो ये पहले पैरा का मतलब है कि विदाउट एनी इमोशन, कोई मोशन नहीं, शांत भाव। अब वो क्यों कह रहा है मोशन, बिकॉज द मोमेंट यू मूव समथिंग योर एंटायर केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी बिकम समहाउ डायनामिक एंड आपका शांत भाव चला जाता है। इसीलिए क्यों कहते हैं मेडिटेशन करते वक्त कि एक जगह स्थिर होके बैठ जाए, ज्यादा हिले डुले नहीं, क्यों कहते होंगे क्या वो पागल है, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा आपका शांत भाव डिस्टर्ब हो जाता है और शांत भाव चला जाता है, और जब तक शांत भाव नहीं होगा आप रिट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेडिटेशन इज ऑल्सो द सेम आर्ट। तो बोलो पहला पहला पैरा पूरा क्लियर हो गया कि कुछ देर के लिए सही अपनी लाइफ में अपनी इस एक्टिविटी को रोकें और शांत चित्त हो जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, दूसरा कुछ और गहरा मतलब बता रहा हूं। ठीक है, जो भाषा है, अब देखो मैं अब पोएट्री का ऑपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, जो भाषा है एक दूसरे से न बोलने का मतलब है कि कभी तो भैया तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट से दूर हो जाओ, कभी झगड़ों की बातें बंद करो। देश इतने जो देश हैं वो कभी अपने डिस्प्यूट्स को खत्म करें थोड़ी देर के लिए, और जो आपसी झगड़े हैं उनको खत्म करे। ये सब जो है भाषा के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये गहरी बातें हैं इस पोयम की कि कभी तो आप क्वेरल्स को खत्म करो, कभी रीजनिंग तर्क वितर्क को खत्म करो, लॉजिकल बातें जो करते हो विद्वान बन के उनको खत्म करो, कभी झगड़े बंद करो, भाषाओं का आदान प्रदान न करके देखो, और लेट अस नॉट मूव अवर बॉडी का अब जो सिंबॉलिकल मतलब है उसको समझो कि कभी तो ऐसा करो कि किसी को मारने के लिए हाथ ना उठाओ, किसी देश में बम फेंकने के लिए स्विच ना दबाओ, किसी की जान लेने के लिए हथियार के ट्रिगर पे उंगली ना दबाओ, किसी की जान लेने के लिए तलवार छुरा चाकू इनका यूज ना करो, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या दूसरी मानव जाति या दूसरे जो है क्रिएचर है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी बॉडी का यूज ना करो। कुछ देर तो रुको इन कामों से और कुछ देर के लिए तो बैठो तो बात बने। समझे बात को? अब पहला पैरा हुआ क्लियर, कितने मतलब है इसके? ठीक यस सर है, तो इसको इसके पॉइंट पॉइंट मेरे ख्याल से हमें साथ ही लिखते चलने चाहिए, क्योंकि उस समय वो पॉइंट गर्मा गर्म होते हैं। ठीक है, करारे। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग पॉइंट। मतलब पैरा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर सो The 12 hours of the clock signify the short span, the short time, or duration of pause in long life poet asks to be quiet and still because
टू मच रश एंड एक्टिविटी हैज ओनली ब्रॉट हार्म्स टू मैनकाइंड। फिर है एक्सचेंज स्टॉपिंग द एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज सिग्निफाइज द सो कॉल्ड या द फ्रूटलेस डिस्प्यूट्स कॉमा क्वेरल्स एंड एक्सचेंजेस ऑफ Exchanges of hatred, exchanges of words which generate the hatred among mankind. और टू बी इनएक्टिव मीन्स टू बी इनएक्टिव सिग्निफाइज लेट अस फॉर सम मोमेंट लेट अस फॉर सम टाइम Not move our hands. That is, not kill anybody, not kill, comma, kidnap, shoot, or murder anybody. And Not destroy anything around. ठीक है, तो हो गया पहला पैरा क्लियर, लिख लिए मीनिंग सारे। ठीक है, बोलो, लिख लिया? यस सर, ठीक है, यस यस सर। वो पहला पैरा तक ही करेंगे आज। ठीक है, तो चलो फिर, गुड नाइट। लेक्चर वाले लेक्चर की क्लास में मिलते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।